से बताया कि नहीं मैं निकल रहा हूँ बस स्टेशन है यहाँ से आपको 140 बाद में ये हाईएस्ट की सर्विस है बस यहाँ से निकलने वाले और टाइम हो रहा है 11:09 तो 11:10 की ये गाड़ी है जो बस सब रेडी है निकलने वाली यहाँ से पर आ गया हूँ। दुनिया का फेमस सारी बीचेस में से है और इसकी जो सराउंडिंग है सारे होटल्स वगैरह हैं, जितने भी बड़ी बड़ी चेन्स हैं वो सब यहाँ पर हॉलीडे इन, इसके अलावा हमारी जितने भी बड़े बड़े होटल हैं सब यहाँ पर, इसके अलावा गल्फ वेज यहाँ पर जो फॉरनर्स हैं वो तो पता चल ही रहा होगा, यहाँ तो बहुत ज़्यादा अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कंट्रीज के जो फॉरनर्स हैं यहाँ बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे आपको प्रायः स्पेशली। और ये वो बीच रोड है जो पूरे मतलब बीच पर ही है, इसमें थोड़ा सा आपको ये बताऊँ कि जो बैंकॉक से जब आप पताया के लिए आते हैं इसमें एक थोड़ा सा इशू ये है कि जो गाड़ियाँ वहाँ से मिलती हैं बसेस, बस टर्मिनल वगैरह से बसेस की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो हाईएस्ट वगैरह है, वो उनकी सर्विस बहुत ही मतलब ऑकवर्ड सी सर्विस है, मतलब बिल्कुल हर जगह लोकल बसेस की तरह जो होता है ना, बिल्कुल हर जगह रोक रहे हैं पैसेंजर्स को, लोडिंग ऑफलोडिंग बस यही चल रहा है। तो जो डिस्टेंस है एक से डेढ़ घंटे का डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 3 घंटे में पूरा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पता है सिटी में भी आकर वो रुक रहे हैं और पैसेंजर्स उतार रहे हैं चढ़ा रहे हैं, मतलब एक थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा मुझे कि जब एक चीज़ आपसे डिसाइडेड है वहाँ से भी गाड़ी आपकी फुल आ रही है, फिर आप रास्ते में जो लोग उतर जाते हैं उनकी जगहों पर दूसरे लोगों को, तो मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, ये एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। तो बहरहाल उसके अलावा जो है टैक्सीज वगैरह हैं उनका फेयर बहुत ज़्यादा है, टैक्सी का जो फेयर जो मैंने सुन मालूम किया था वो 1000 से लेके 1500 बात तक तकरीबन इनका वो है चार्जेस जो ये लेते हैं प्राइवेट टैक्सीज और जो गवर्नमेंट टैक्सीज वगैरह हैं। और ये जो है बस का बस ये है कि फेयर की वजह से थोड़ा सा वो है कि 130, 140, 150 वो डिपेंड करता है, जिस पर नेगोशिएशन अगर आप करेंगे तो 130 में भी हो जाएगा, 150 भी है। तो ये थोड़ा सा एक फीडबैक ये था। और ये वहाँ पर जो गाड़ियाँ वगैरह जो बसेस वगैरह हैं वो भी हैं भी ज़रा मतलब वो पुरानी जैसी बसेस हैं, मतलब इतनी अच्छी वो लग्जरी बसेस नहीं है हाईएस्ट में जिसमें मैं आया हूँ। तो देखिए जैसे भी ये है ये भी ये इस टाइप की भी आती हैं, ये देखें आप ये जो हाईएस्ट नहीं सॉरी ये तो वो डाटसन की वो पिकअप टाइप की होती हैं, लेकिन मैं तो अगर हाईएस्ट में आया हूँ वो थोड़ा सा फिर भी बेहतर है इससे, तो लेकिन ये भी आती हैं वैसे। और ये छोटे एरियाज के लिए हाफ एन आवर का जो डिस्टेंस के इलाके हैं उसमें तो यही ज़्यादा चलती है। ये जो बसेज वगैरह ये टूर्स वालों की हैं, होटल्स के टूर जो होते हैं वो और जो आप टूर बुक कराते हैं उसमें होते हैं। नहीं हाँ वो मतलब ये है कि ये थोड़ा सा फीडबैक मैंने इसलिए आपको दिया कि जो लोग आते हैं वो उनको तो पता है, लेकिन जो लोग नए फर्स्ट टाइम आते हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि वो मतलब उनको फील ये होता है कि 1 घंटे 1.5 घंटे का डिस्टेंस है, वो 3-4 घंटे लग जाते हैं उसमें। तो अभी ये है बताया अभी इसका पूरा जो बोर्ड्स हैं ये
ये भी मैं आपको बताता हूँ, ये काफ़ी मतलब क्योंकि यहाँ से इनके बहुत सारे जो आइलैंड्स हैं वो करीब करीब जो हैं उनको यहाँ से देखें, जैसे कि जो है बोर्ड ये आइलैंड को कवर करती हैं, थोड़ा डिस्टेंस के जो आइलैंड हैं उन पर ये जाती है। काफ़ी ये सारा व्यू है पताया बीच का, दिस इज़ पताया। स्टाइल तो वही लंगावी जैसे ही है, लेकिन ये थोड़ा सा लंगावी से ज़रा ज़्यादा मुझे मतलब ये ओपन स्पेस जो इसका लंगावी से ज़्यादा अच्छा है। स्विमिंग वगैरह की भी यहाँ पर हो रहे थे, आप इजीली स्विमिंग कर सकते हैं। उन्होंने कुछ लगाए भी दिए हैं कि इस एरिए में यहाँ तक रहें, इससे आगे ना जाएं, क्योंकि थोड़ा सा पानी कभी कभी रफ भी होता है। वैसे तो यहाँ का जो पानी है वो पूरे जितने भी मैंने देखे बीचेस, इनके पानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक नॉर्मल उस पर है, आगे नहीं बढ़ते। देखें बिल्कुल बीच, बिल्कुल आप देखें ड्राई बीच है, ये बिल्कुल डिफरेंस है बिटवीन मतलब हम अपने अपने मुल्क में हम देखते हैं तो पानी बहुत आगे तक है, लेकिन यहाँ के जो बीचेस हैं यहाँ लंगावी में मैंने देखा और यहाँ पे भी ये जो बीच जो है ये जो सैंड है जो बिल्कुल आप देखें खुश्क है ड्राई, और पानी जो है उसकी बिल्कुल एक लिमिट तक पानी आ रहा है, उससे आगे नहीं आ रहा। तो ये भी एक नेचुरल सी चीज़ है कि पानी की भी एक वो है। बाकी यहाँ पे होटल्स और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में है यहाँ पर, तमाम मार्ट्स और ये सब। ये पूरे ग्रुप्स जो आते हैं, जो कुछ तो एयरपोर्ट से भी बुकिंग करा लेते हैं, कुछ सिटी के अंदर भी कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ से बुक्स होते हैं ऑर्डर ग्रुप्स, और इसके अलावा कुछ लोग जो है ऑनलाइन बुकिंग भी कराते हैं तो वो भी तो उनको सही रहता है एडवांटेज। तो ये बुक ग्रुप्स में ये एडवांटेज रहता है कि आप मतलब हर जगह बगैर किसी उसके आप मूव कर लेते हैं, तो ना बाद जैसे विदाउट ग्रुप के जब आप कहीं ट्रैवल करते हैं उसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, तो उसमें फिर ये कि कभी पैसे ज़्यादा भी लग जाते हैं। मैंने कहा ये है पताया बीच, ये भी बीच पे बना हुआ है।
इंडियन पाकिस्तानी और जितने भी डिश, उसके अलावा मतलब में थाई फूड्स भी हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है महारानी, महारानी रेस्टोरेंट पताया में। यहाँ पे हर किस्म की आप देखें वैरायटी, इन्होंने अपने उस पर डिस्प्ले में देखें किस तरह की है, काबली नान, गार्लिक नान, सेसामी नान, सिंपल नान, चिली प्राउन, फिश टिक्का, चिकन पकौड़ा, तंदूरी चिकन, हर किस्म की फैसिलिटी आपको यहाँ पर खाने की, हर किस्म की वैरायटी मिलेगी जो आपके रिक्वायरमेंट है। बैठा था ये बाहर महारानी का देख लें आप, यहाँ बाहर से भी इसका पूरा ये लगा हुआ, सॉरी इसका बोर्ड है महारानी टू, इनकी और ब्रांचेस भी बाहर, महारानी वन भी है ना, वन भी है और टू भी। ये पताया, पताया साउथ है, यहाँ का बहुत अच्छे खाने, इंडियन फूड्स, थाई फूड, सी फूड, बांग्लादेशी फूड सारे अवेलेबल हैं यहाँ पर, और बहुत अच्छी लोगों की सर्विस है। और मतलब आप यहाँ पे जब भी पताया आए, जो जो लोग नॉर्मली आते हैं पताया तो उनको ज़रा प्रॉब्लम होती है स्पेशली फूड्स के लिए, तो फूड्स के लिए यहाँ पे बहुत सारी इनकी इतनी स्पेशलिटी है कि मैं आपको दिखाऊँ, अंदर भी बहुत दिखाया मैंने आपको, बाहर से भी अगर आप देख लें तो इतने जितनी भी चीज़ें मैंशन है इसमें, थाई, बांग्लादेशी फूड, पाकिस्तानी, इंडियन, सारी फूड्स यहाँ अवेलेबल हैं और हलाल फूड्स भी अवेलेबल हैं। तो जब भी यहाँ पर पताया आना हो तो आपका नाम शमीमा जी, शमीमा जी ये भी यहाँ पे होते हैं। अभी मैं जो जा रहा हूँ वो जा रहा हूँ इकामाई बस टर्मिनल, जो पताया बीच तकरीबन 4 किलोमीटर है। अगर आप यहाँ से, ये प्रॉब्लम है कि अगर आप इन जगहों से अगर आप कोई टुक टुक या टैक्सी या मोटर बाइक भी अगर आप रेंट पर लेते हैं तो इकामाई तक के लिए 150 से लेके 250 तक चार्ज कर दो बात, जो बहुत ज़्यादा है क्योंकि 140 से तो हम मतलब बैंकॉक से यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो मुझे किसी ने बोला कि आप यहाँ से, ये स्ट्रीट है बिल्कुल, आप सीधे यहाँ से स्ट्रीट पे जाएँ, वो कहलाता है नॉर्थ पताया। तो मैंने थोड़ी सी यहाँ से लोगों से थोड़ा सा अवेयरनेस ली तो लोगों ने ये बताया कि यहाँ पर फर्स्ट टर्मिनल का नाम यही होता है। खैर मैं अभी स्ट्रीट पर हूँ पताया बीच से, मैं सामने ली स्ट्रीट पर आ गया। ये स्ट्रीट जो है ये पूरी इकामाई बस टर्मिनल पर जा रही है। मैंने कहा ये आपको जरूर बताऊँ कि यहाँ पर थोड़ा सा वॉक कर लें आदमी, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू अगर आप 200 या 300-400 बात देते हैं। अलग अलग सबकी डिमांड है, जैसे यहाँ पर रेंट पर बाइक्स मिलती हैं, ये खड़ी हुई है देखिए फॉर रेंट, तो इनकी चार्जेस थोड़े से कुछ कम है एज कम्पेयर टू टैक्सी के। मैं हूँ, एक फ्रूट शॉप है, ये फ्रूट मैंने पहली दफ़ा देखा तो मैंने इसका ज़रा मैं देख बताऊँ आपको तो इसका नाम क्या है, इसकी डिटेल थोड़ी मैं मालूम करता हूँ। क्योंकि पाइनएप्पल, कोकोनट वगैरह तो मतलब होते हैं, इसके अलावा ये मैंगो का पैर देखा डिफरेंट किस्म की। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस फ्रूट, सॉरी आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट, सॉरी दिस वन जैकफ्रूट, दिस इज इंग्लिश नेम और थाई नेम, दिस काइंड ऑफ फ्रूट। ओके ये कुछ नाम बता रहे हैं, इसके अलावा एक फ्रूट और है तो भी आप ज़रा देखें, ये भी मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा है, ये कौन सा फ्रूट है मुझे इसका नहीं देखा, मैं नाम में मालूम करता हूँ। बाकी पाइन एप्पल, बनाना, तरबूज वगैरह जो कॉमन है, और एक ये भी फ्रूट है जो मुझे फर्स्ट टाइम देखा है। चले हो वही आपको कुछ बताऊँ, यार हर कंट्री की अलग अलग कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल यूनिक होती हैं, आपके उसमें नहीं होती। बाकी ये फ्रूट्स तो अवेलेबल होते हैं हमारी कंट्रीज में भी, और आप देखें इसकी प्रेजेंटेशन उस तरह मैंने ये फ्रूट किया। ये है सेंट्रल मरीना क्लब पताया, ये भी आपको उसी स्ट्रीट में मिलेगा जब आप बस टर्मिनल के रास्ते जाएंगे। इसमें डिफरेंट किस्म की $390,
अरेना मार्केट, मार्केट भी है। वेलकम टू चाइना टाउन, लैंडमार्क ऑफ पताया। ये पूरा चाइना टाउन का रोड बनाया हुआ है। ये शॉप्स भी हैं इनकी, बाकी जो चाइना टाउन की जो एक मतलब एक लैंडमार्क जिसे कहते हैं वो है ये पताया के। ये पीछे जो है थाई फूड्स हैं, लाइव फूड्स जो मैंने आपको पहले भी दिखाया है वीडियो में। यहीं से आप सेलेक्ट करें और इनको ऑर्डर दें। अभी मैं बैठा हूँ बाइक पे और व्हाट इज योर नेम? हसन। सॉरी, हसन। हसन ये मुस्लिम? ओके मिस्टर हसन इज मुस्लिम इन पताया। और मैं इनके साथ जा रहा हूँ बस टर्मिनल पे, क्योंकि मैंने 4 किलोमीटर से ज़्यादा तो पैदल मैं चल लिया हूँ, लेकिन अब वो अभी भी बहुत 3-4 किलोमीटर बाकी है। तो ये इन्होंने 20 बात में ये एग्री हुए हैं, इनके साथ मैं जा रहा हूँ। ये है राइट ऑन बाइक, ये ऊपर था वो तो बाइक है। यहाँ से लेते हैं ये 40 बात, क्योंकि इन्होंने मुझसे 20 बात में ही एग्री हो गया, क्योंकि इन्होंने मुझे देख लिया कि मेरे पर कितना पसीना आया हुआ है। और मैंने इनको बताया मैं बीच से आ रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे ये एडवांटेज दी है। थैंक यू वेरी मच मिस्टर हसन, थैंक यू वेरी मच। ऑन यूट्यूब ये भी बहुत सा एक्सपीरियंस है बाइक पर पताया में। इनका टिकट है और इसकी जो टाइमिंग है 17:20, 5:20 पर ये जाएगी। ये बसेस होती हैं जो बैंकॉक से पताया, पताया से बैंकॉक। ये इनका टर्मिनल है छोटा सा, ज़्यादा बड़ा टर्मिनल नहीं है और थोड़ा सा बीच से दूर भी है, जो मैंने आपको बताया अभी अभी मोटर बाइक पर मैं आया हूँ। ये बस है 17:20 की। अजय दुआ त्री चितिरी प्यार शेर सेम वो सेम अजय नासिर दुआ नासिर इंग्लिश 1 2 3 6 ओ 7 कत्ती ये सबूत सफिया ऐसा ऐसा सबूत तफानी स्कूल स्कूल के लिए चिदेरी सब तफारी दुआ दुआ लिए शी इज सफिया 4 years old एंड शी इज 2 years old सफारिया शी इज 2 years old दुआ। ये रशियन बच्चे और ये पताया से बैंकॉक जा रहे हैं मेरी बस में। ओह 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 देख 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 उचिन के सेवा सफिया उचिन के सेवा सफारिया उचिन के सेवा हाँ राशो राशो बीवेज की नजविदानिया नजविदानिया बाय बाय नजविदानिया बाय बाय।